मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही। 7 दिन सरकार के सुनो आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीयू के दफ्तर तक प्रेसिडेंट करा कर। 7 दिन सरकार के और 8वें दिन यहाँ घुंटा। 8वें दिन हम यही बैठेंगे और साथ ये मेरी भाई मीडिया के जरिए मेरा कहना है हमारे बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री से भाई हाथ जोड़कर निवेदन है यार कितना तो यार बताओ हद हो किसी चीज की। अगर आप वोट के लिए इतना गिर जाओगे कि एक आदमी को जो अपराधी है इस पे इतना सब कुछ तय हो गया उसको भी नहीं हटा सकते तो फिर आपका कौन सा जमीर है किस मुंह तक हो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनो भाई आखिरी बार फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ मीडिया के लोग कह रहे आवाज नहीं आ रही। 7 दिन सरकार के सुनो आवाज इतनी जोर की है जाओगी जेडीयू के दफ्तर तक प्रेसिडेंट करा कर। 7 दिन सरकार के और 8वें दिन यहाँ घुंटा। 8वें दिन हम यही बैठेंगे और सात कारण है आप अपनी बात कहने की बात का मौका होगा। देखो मैं अपना पक्ष रखता हूँ लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का आजादी का अधिकार है मगर बहन जी वही है जो अगर हम कोई आंदोलन में जोर लगाकर बैठे ना एक दिन में अगर कुछ हो जाएगा तो हमें तो पता है मैं आंदोलन कर रहे हैं आपको ये बात बता रहा हूँ एक दिन में सरकार और हम आपको जिम्मेदार तक कह रहे हैं हमारी ये पुलिस पार्टी कर रही हो आप मेरी बात को मैं किसान का बेटा हूँ कह रहा हूँ अगर 5 दिन में सरकार की जमीन ना सरकारी जिस कर आप उनके लिए न्याय मांग रहे जिनके लिए हमने तो हाथरस अगर आपने देखा हो ना हाथरस आप सब जाकर देखा हो जैसे कचरा जलाते हैं ना ऐसे जड़ा हमने तो अपनी बहनों के हाथों को लाशों को हाथ में ठहरकर तो जानते हैं कि सरकार जब तो ना बादशाह आप बात छोड़ दो अजय कुमार टैनी जिनके मंत्री हैं किसानों पे गाड़ी चढ़ाई सारे देश में देखा है ना ये आगे की बहनों ने एक तो निष्ठा हो ये उससे भी ज्यादा तरह चले जहाँ जी इनकी बात आ गई इनसे कोई उम्मीद नहीं कर जा सकती हमें लड़ना पड़ेगा भाई ये याद रख लो अगर आपको लगता है सिर्फ यहाँ बैठने काम चलेगा चलने का नहीं हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पिछली बार कहा था हम इन 7 दिन में जिस समारोह मांग रहे हैं वहाँ पे सुनो खोपड़ी तो हमें तैयारी यहाँ बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ बैठेंगे तहसीलों पे ब्लॉक पे जिले के दफ्तर पे वो उनकी नाक में दम करेंगे इनको वहाँ पे बैठे हैं यूँ थोड़ा ही बैठेंगे हम यहाँ पे हम तो यहाँ उसमें भी सीख पा रहे हैं हम इलाज करने को बैठेंगे और पूरा ही बैठेंगे क्योंकि हमारे पे करना आम है भाई ऐसा बताओ लोग बंजर भूमि में तो फसल नहीं बात है क्या हम लोग है जिसे सरकार ने कह दिया तो रद्दी है उसका भी तो सीना चीर के हम लोग फसल उगाते नहीं उगाते हैं फिर तो ये तो कुछ भी बंजर नहीं सब हो जाएगा ठीक बस वे जो बहन है उनके लिए दुख इस बात का है कि कल उन्हें बहुत अपमान देना पड़ा और क्योंकि हम लोग लड़ नहीं सकते किसी से इस वजह से हम लोग पुलिस के साथ साथ भी लड़ सकते इसलिए अपने विरोध को पीछे से कर रहे हैं ठीक है जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा सुन के याद रखो हमारे लोग भी सुन लो बीमार भी के 7 दिन है इनके तारीख नहीं 7 दिन और 8वें दिन यही